सरोकार। लखनऊ में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा गठन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। श्रावस्ती में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम, कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक। कानपुर में लॉन्च हुआ मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड, 100 रुपए में बनवा सकेंगे कार्ड। अमरोहा में विश्वकर्मा श्रम कल्याण योजना, योजना के तहत बांटी गई सिलाई मशीन। अलीगढ़ में एमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को बनाया गया एमएलसी, तारिक मंसूर ने वाइस चांसलर के पद से दिया इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुख करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। और आपको बता दें कि अब एक ही आयोग से शिक्षकों का चयन होगा, इसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च कॉलेजों में शिक्षकों का चयन शामिल है। साथ ही अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नवीन आयोग से ही शिक्षक भर्ती होंगे। वहीं इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय का स्वरूप दिया जाना चाहिए। खबर श्रावस्ती से है, जहां स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम कौशल विकास बालार्क फाउंडेशन की ओर से रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामफेरन पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिल रहा है। स्मार्टफोन के जरिए बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी होगी और बीते 6 सालों में जिले का पिछड़ापन भी दूर हुआ है। को शिक्षा ग्रहण करा करके और उनको देश में अपनी एक प्रतिभा स्थापित करने के लिए, प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए जो सरकार की योजना है कि सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार निःशुल्क स्मार्टफोन दे करके और डिजिटल इंडिया से जोड़ करके उनके जीवन में नई रोशनी लाने का काम कर रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग जिलौला में उपस्थित हुए और 250 बच्चों को, 650 बच्चे लाभार्थी थे, 250 आज वितरण हुआ है, जो बचे हैं उनको। कानपुर में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। बता दें कि मुंबई के बाद ये पहला प्रदेश की मेट्रो है जहां ये कार्ड बनेगा, तो वहीं लोग 100 रुपए देकर ही कार्ड बनवा सकेंगे। वहीं वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर गो स्मार्ट कार्ड यात्रियों की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। इससे पहले मुख्य सचिव ने मोती झील मेट्रो स्टेशन से लेकर IIT स्टेशन तक सफर भी किया, तो वहीं IIT स्टेशन के अंदर मेट्रो के गो कार्ड को लॉन्च किया गया और मुझे भी उसमें एक अवसर मिला था एज ए भारत सरकार के सचिव के तौर पे, मैं भी उसमें मेट्रो को उद्घाटन किया। जब IIT कानपुर से लेकर के मोती झील तक पहले ये हमारी प्रारंभ की गई थी मेट्रो के बारे में, और बाकी भी जो मेट्रो का सेक्शन उसमें बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि आगामी 2-1 साल के भीतर भीतर पूरा पूरा मेट्रो लाइन हमारा चालू हो जाएगा। अब इसके बाद जो है, आज जो हमारे नागरिकों को जो सौगात मिली है, ये है वन नेशन वन कार्ड। आप सोचिए, फरीदाबाद में अज्ञात युवक ने घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी। वही घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि परिवार के बाकी सदस्य उस वक्त सोए हुए थे, जब उन्होंने विशाल की चीख सुनी तो वो जागे, तब उन्हें एक युवक भागता हुआ नजर आया। उन्होंने आरोपी का पीछा किया, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले ही विशाल के किसी युवक से झगड़ा हुआ था। परिवार उस युवक पर अब शक जता रहा है। हम लाली पे विशाल
एक बज रहा है ढम आवा गया है, मैं जो जी पंखा गिर गया यहाँ, तीन साइकिल लगे थे, टायर फट गया, और फिर भी बाबू निकल के यहाँ से वहाँ दौड़ाया, एक लड़का बंदर निकल भागा और कुंडी दोनों खुला था, एक कुंडी खुला था जब बंद करके मैं सोई थी, जब दोनों खुला था तो कमरे से कोई भागने की आवाज आई थी, बाबू हमारा वहाँ तक ले गया, गया भाग के, एक ही नहीं मुंह नहीं देखा है, क्योंकि जीरो वाट बल रहा था, ये नहीं था। तो क्या किसी से कोई रंजिश थी, क्या वजह थी? क्या किसी से कोई रंजिश थी? नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, नहीं यहाँ किसी से नहीं। और भाई की चलाने की आवाज आई, और फिर मैं बाहर गया तो देखा कि मेरे घर से कोई निकल के भागा, तो मैं, मेरे को लगा मैं भाई है, फिर आगे तक गया तो वो भाग गया, फिर मैं भाई खून से लिपटा हुआ था। कौन था वो? एक लड़का था। जानते हो? नहीं जानता। पहचान लोगे? हाँ पहचान लूंगा। देखा उसको? बता दो, आपके किराए पे था पहले। अच्छा, झगड़ा क्या था? पहले भाई झगड़ा हुआ था उसका? क्यों? अब ये नहीं पता। बता नहीं, छेड़छाड़ कर दी थी सिस्टर से, तो भाई ने मारा था उसको? हाँ, बाबा ने मारा था। बाबा ने मारा था? बाबा ने, भाई ने मारा था। देवरिया पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक आरोपी की संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि जिले में पिछले 18 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा स्वयंवर यादव, जिस पर जिले के विभिन्न थानों में 15 मुकदमे दर्ज है, जो गिरोह बंद अपराध का सरगना है, जो अपने आपराधिक कार्यों से करोड़ों की संपत्ति भी अर्जित कर चुका है। वही जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत निर्गत आदेश के क्रम में आरोपी स्वयंवर यादव की संपत्ति कुर्क की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी सौरभ सिंह, सीओ सिटी श्रीयश त्रिपाठी, थानों के पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर उपस्थित रही। निर्गत आदेश के क्रम में पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त स्वयंवर यादव की कुल 2,17,00,000 रुपए की अचल संपत्ति कुर्क करते हुए संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार साहबान को नियुक्त किया गया है। अभियुक्त स्वयंवर यादव वर्तमान समय में जिला कारागार देवरिया में निरुद्ध है। इसके विरुद्ध जनपद देवरिया के विभिन्न थानों पर। खबर बुलंदशहर से है, जहां एटीएस ने केरल के कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड के संदिग्ध शाहरुख को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शाहरुख की ट्रेन अग्निकांड में भूमिका है या नहीं, इसकी पड़ताल की जा रही है। बता दें कि केरल पुलिस द्वारा जारी स्क्रैच और बरामद मोबाइल फोन के आधार पर शाहरुख को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का एक ट्रेन की सीट को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उसने यात्रियों पर केमिकल से भरी बोतल फेंक दी, जिससे ट्रेन में आग लग गई थी। इस अग्निकांड में 3 यात्रियों की मौत हुई थी और 6 यात्री घायल भी हुए थे। दो महीने पहले। आपका बेटा केरल नहीं गया? नहीं। कितने बजे करीब आई थी एटीएस यहाँ पर? 5 बजे बता रहे बाद। 5 बजे काम पे आई थी, रात को यहाँ पे कितने बजे आई थी घर पर? घर पर तो यहाँ के थाने वाले आए। क्या कह रहे थे आकर? नहीं मुझे पता नहीं, मैं जमात पर नहीं था। आपका बेटा यहाँ कितने दिन से है? यहाँ 2 महीने से यही है। केरल नहीं गया? ना। क्या काम करता है? कारपेंटरी का, लकड़ी का काम करता है, फर्नीचर का। औरैया खान का आलिया समदिया मिसबाहिया फफून शरीफ में ख्वाजा बंदा नवाज का सालाना उर्स मनाया गया है। बता दें कि हर साल 11 रमजान को हजरत ख्वाजा बंदा नवाज का सालाना उर्स मनाया जाता है, जहां असर की नमाज के बाद उर्स की फातिहा होती है, जिसमें हजारों लोग पहुंचकर अमन चैन की दुआएं मांगते हैं। वही इस साल भी उर्स की शुरुआत जुहर की नमाज के बाद कुरान ख्यानी से हुई और असर की नमाज के बाद बंदा नवाज सैयद मिसबाहुल हसन चिश्ती की फातिहा पढ़ी गई है। इससे पहले सुबह से ही अकीत मंदों का दरगाह आना शुरू हो गया था, जहां दूर दराज के लोग दरगाह पहुंचकर मन्नतें मुरादें मांगते हुए दिखाई दिए।
अमरोहा के कलेक्ट्रेट परिसर में विश्वकर्मा श्रम कल्याण योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक दीप नारायण सिंह ने योजना में दर्जी का काम करने के लिए चयनित हुई महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये योजना काफी महत्वाकांक्षी योजना है, इसके तहत जो लोग पहले से चयनित हुए थे उनको सिलाई मशीन का वितरण किया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जिसमें छोटे छोटे हस्तशिल्पियों जैसे दर्जी और टोकरी बुनकर, लोहार, बढ़ई, इन सबको जो है 6 दिन का प्रशिक्षण देकर और टूल किट वितरित किया जाता है। उसी क्रम में आज वित्त वर्ष 2022-23 में सिलाई मशीन में जो महिलाएं और पुरुष ट्रेनिंग किए हैं उनका आज टूल किट वितरण हो रहा है। तो ये कितने लोगों को किया जा रहा है? सिलाई मशीन में 750 महिला और पुरुष को जो है ट्रेनिंग कराया गया, मई में 350 और अंबेडकर नगर के दरवन झील में सौंदर्यीकरण के लिए पूरे जनपद के अधिकारी और कर्मचारी साथ ही आम जनता ने श्रमदान किया है। बता दें कि दरवन झील पर महासफाई अभियान की जोरदार शुरुआत हुई है, तो वहीं इस मौके पर MLC डॉक्टर हरिओम पांडे, जिलाधिकारी अविनाश सिंह भी मौजूद रहे। वहीं सफाई अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मसूर को राज्य सरकार ने अब MLC बना दिया है। वही राज्य सरकार द्वारा वाइस चांसलर को MLC बनाए जाने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद से इस्तीफा दे दिया है और यूनिवर्सिटी के कुलपति को MLC बनाए जाने के बाद कहीं AMU के छात्रों में खुशी देखी जा सकती है, तो कहीं छात्र सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट और टिप्पणी भी कर रहे हैं। वही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के PRO के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक्टिंग वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज होंगे। जाते हैं जो प्रोसीजर होता है, जैसे कि आपको मालूम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए, तो प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने आज यहाँ पर जो वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर एक्टिंग प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज साहब जो हैं वो कार्यभार संभालेंगे। और हम आपको बताते चलें कि इन अकॉर्डेंस टू द विद द स्टैचू 27 स्टैचूज ऑफ द AMU यूनिट। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना शालीमार के पास एक हॉस्पिटल में पथरी का इलाज कराने आए युवक की अस्पताल प्रबंधक और स्टाफ की लापरवाही के चलते मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वही परिजनों का आरोप है कि युवक की मौत गलत ऑपरेशन से हुई है। वही मौत के बाद हंगामा होता देख डॉक्टर और स्टाफ मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।